जय श्री स्वामीनारायण। आओ सौ साथे मळी घरे बैठा लाभान्वित थईए। आपण सर्वे ने भगवान श्री हरि मां प्रीति थाय, तेमना स्वरूपनी दृढ़ता थाय, आपनु जीवन धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति थी सभर बने अने भगवान श्री हरिनी प्रसन्नताना पात्र बनी, तेमज विश्व शांति अने कोरोना महामारी निवारण अर्थे तीर्थधाम सरधार ने आंगणे उजवाय श्री स्वामीनारायण संप्रदायना महान ग्रंथराज श्रीमद सत्संगी जीवन होमात्मक यज्ञ अनुष्ठान। पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी ना पावन सान्निध्य मा विद्वान संतो द्वारा संस्कृत श्लोक गान साथे शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि सह योजायेल द्विमासिक पाठ पारायण ने मानिए अने आपने घरे बैठा पुष्प अक्षत वड़े आहुति आपी। हरि ओम सहस्त्र शीरिका पुरुकः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिकौ सर्वत्र प्रतिपात्यतिष्ठ दशाङ्कुलम् ऊरुख एवेतकौ सर्वञ्जद्भूतं चष्ट भाव्यम् भूतामृतत्वशेषानो च तन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुकः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वः उदेत्पुरुकः पादोऽसेहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत् साशनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुकः सजातो अत्यरिष्टत पश्चाद् भूमिमतो पुरः तस्मात् धज्ञात् सर्वहूतः संभृतं पृखदाज्यम् पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्धज्ञात् सर्वहूतरीच माया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्त ईशान्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवा तदा भक्ताद् अहं नारायणो मुनिः जनिषे कौशले देशे भूमोहि समगो द्विजः मुनिशापानृतां प्राप्ता नृषिंस्तात् तथोद्धवम् तत्त्ववीतासुरेभ्योः सद्धर्मं स्थापय नज सद्धर्मं स्थापय नज। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री राधा रमण देव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री नर नारायण देव की जय। श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। श्री कष्टभंजन देव की जय। अथ द्वितीय प्रकरणे सप्तत्रिंशोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामीनारायणाय स्वाहा। एकादश्यां शुक्लपक्षे तपस्यस्य हरिनृप कृतः निकश्चकाराथ कृष्णपूजा महोत्सवं स्वामीनारायणाय स्वाहा। सभामकारयदथा भयराजालयाङ्गणे तत्रोपविष्टा अभवन् यथार्हं वैष्णवानिशि स्वामीनारायणाय स्वाहा। तन्मध्य ऊच पीठस्थः स्वामी सशुशुभे स्वयं तारामण्डलमाध्यस्थः शारदेन्दुरिवाम्बरे स्वामीनारायणाय स्वाहा। पृथक् पृथक् तमर्चन्तस्त्यागिनो गृहिणस्तथा
चक्रुर्जागरणं भक्ताः कृष्ण संकीर्तनादिभिः स्वामी नारायणाय स्वाहा। तदेक आया द्वीपेन्द्रः शिव रामाभिधः सुधीः सर्वाणि ग्राम वसतिर् मुमुक्षु धार्मिकः कविः स्वामी नारायणाय स्वाहा। सौवीर देश भूपेन हरिसिंहाभिधेन च प्रेषितः स्वामिनस्तस्य ज्ञात्यध्वादि बुभुत्सुना स्वामिनारायणाय स्वाहा। तं तदीयांश्च नत्वा सो मानितस्तेन सादरं पृष्टश्वागमनं हेतुम् उपविष्टो अब्रवीत् विद्विजः स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वामिन् सौवीर भूपस्त्वां स्तूयमानं जनेर्भुवि कैश्चित् कैश्चित् निन्द्यमानं नूतनाध्व प्रवर्तकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रुत्वा साश्चर्य चित्तौ सो तद्यार्थ्यार्थ्य बुभुत्सया द्रुतं मा प्रेषयद् विप्रं निकषा त्वां निजाश्रितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सोऽहं त्वां तावकीनांश्च दृष्ट्वे वाद्यसतोऽखिलान् गतासन्मार्गशङ्कस्त्वां तत्प्रश्नान् वच्मि सत्पते स्वामिनारायणाय स्वाहा। को देशो जन्म बहुका ते को ज्ञातिर्जनकश्च कः को वेदः का च शाखा किं गोत्रं च प्रवरा कति स्वामिनारायणाय स्वाहा। कस्संप्रदायस्तव को विष्णुदीक्षाप्रदो गुरुः किञ्च शास्त्रमभीष्टं ते भक्तिर्भवति कीदृशी स्वामिनारायणाय स्वाहा। अर्चन्ते बहवो देवाः स्थापयन्ते च त्वदाश्रितैः तत्रेष्ट कोऽस्ति वोऽन्ये च मान्यते केन हेतुना स्वामिनारायणाय स्वाहा। का देवी संप्रदायेथ भवदीयेऽस्ति मालिका कीदृशी कण्ठधार्योक्ता तिलकञ्चास्ति कीदृशं स्वामिनारायणाय स्वाहा। साधवो भवदीयाये लोकसाधु विलक्षणः कथं परं हंसाख्या उच्यन्ते भवदाश्रितैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एते प्रश्नाः प्रभो राज्ञः सन्ति तस्य बुभुत्सतः यथावदुत्तरं तेषां कृपया वक्तुमर्हसि स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्थं स तेन सम्पृष्टो राजप्रश्नान् महामुनिः उच्चे तदुत्तरं तथ्यं कुर्वं स्वानप्य संशयान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीनारायणमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। कोसलेषूत्तरेष्वस्ति नाम्ना योध्यापुरी द्विज योजनद्वितये तस्य ग्रामोऽस्ति छुप्पय उदक स्वामिनारायणाय स्वाहा। स मेऽस्ति जन्म भूस्तत्र बभूव ब्राह्मणोत्तमः नाम्ना हरिप्रसादश्च सार्वज्ञाति विश्रुतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुरनेतृनराधीश कुलपूज्यपदाम्बुजः पण्डितोपाभिधः प्राज्ञो धर्मकीर्तिरुदारधीः स्वामिनारायणाय स्वाहा। स मे पिथाथ सावर्णिर्गोत्रर्षिः प्रवराश्रयः भार्गवो वेत हव्यश्च सावेतस् इति श्रुतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। वेदः सामाभिधो मेऽस्ति शाखा भवति कौथुमी नीलकण्ठ इति प्राहुर्नाम्ना मां जनकादयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। समागमं सतामेव बाल्येऽप्याचरमन्वहं पृषा रुचिरसत्सङ्गे बालक्रीडनकेषु च स्वामिनारायणाय स्वाहा। उपनीतोष्टमे वर्षे पित्रहं जन्मतो द्विज ब्रह्मचर्यव्रतं प्रीत्या पालयामि स्म चाञ्जसा स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्राचीनसंस्कारवशान् महतां च प्रसादतः कृष्णे भक्तिः साहजी की ममासिद्ध्यद्दये मला स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीमद्भागवतादीनि पुराणान्यथ शृण्वतः साक्षात् कृष्णदिदृक्षा मे हृद्यासीच्चारुचिर्गृहे स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततोऽहं तीव्रवैराग्यो हीत्वा गेहं सदेहिकं पर्यव्रजमरण्यानिं साक्षात् कृष्णे क्षणोत्सुकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीमुक्तनाथ मुख्यानि पुण्यक्षेत्राणि भूतले एकाकी व्यचरं कृष्ण दर्शनं मार्गयन् गुरुं स्वामिनारायणाय स्वाहा। यो यः ख्यातो गुरुत्वेन महान् सिद्धः प्रतिष्ठितः तं त्वं गत्वा प्रश्नमेतत् अपृच्छं प्रश्रितो भुवि स्वामिनारायणाय स्वाहा। मम येन भवेत् सद्यः साक्षात् श्रीकृष्णदर्शनं कृपया तमुपायं मे ब्रूहि जानासि चेदिति स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रश्नमेनं मम श्रुत्वा केचिन्मौनमुपाश्रयन् केचित् क्रुधापमानं मे चक्रुः सद्यो दुरुक्तिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा।
तदुत्तरन्न कुत्रापि प्राप्तः प्राप्त दुरुत्तरम् तत्तत्कृतं भर्त्सनादि मृष्यंस्तं तं समत्यजम् स्वामिनारायणाय स्वाहा। अग्न्यलोककृतं पूर्व मार्षभो भरतो यथा दुश्चेष्टितं दुरुक्तादि सेहेऽहं च तथा सहे स्वामिनारायणाय स्वाहा। चिन्तयन् कृष्णमेवैकम् अहं तीर्थानि भूरिशः सेवमानोरैवतकं सौराष्ट्रे स्वाप्तवान् गिरिं स्वामिनारायणाय स्वाहा। उपत्यकासु तस्याहं ग्रामे पिप्पलसङ्गके रामानन्दस्वामिसङ्गम् अपश्यं वैष्णवेश्वरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। विक्रमार्कक्ष्मे शशके गुहास्याक्षकरीन्दुभिः प्रमीते वर्तमाने च शुक्रकृष्णे तिथौ हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तं प्राप्य विनये नाहं मपृच्छं पूर्ववद्विज तदा सोति प्रसन्नो मामुवाच मधुरं वचः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अद्यैवेहोपविश्य त्वं सुस्थिरासन आत्मनि ध्याय श्रीराधिका कृष्णम् अष्टार्णं तन्मनुं जपन् स्वामिनारायणाय स्वाहा। द्रष्टासि सद्य एवं त्वं साक्षात् स्वेषं समाधिना इत्युक्तोऽहं तेन तदा तथैवाकरवं मुदा स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ तर्ह्येव हृदये प्रसादात्तस्य सत्पतेः तीर्णावस्थात्रयो पश्यं तेजः पुञ्जमलौकिकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र श्रीकृष्णमद्राक्षं वृन्दावनविहारिणीं श्रीराधाभ्यामर्चमानं वेणुवादन तत्परं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तं प्रणम्य प्रसीदेति बद्धाञ्जलिपुटो ब्रवम् प्रसन्नो भगवानाः मां ततः प्रीणयन् वचः स्वामिनारायणाय स्वाहा। रामानन्दाभिधो योऽत्र वर्तते वैष्णवाग्रणिः तं ममेकान्तिकं भक्तमवगच्छ त्वमुद्धवं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तद्वशत्वान् मया दत्तं तुभ्यं साक्षात् स्वदर्शनं स हि लोकानुग्रहार्थं प्रकटोऽस्ति मदिच्छया स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्सेवनात् पूर्णकामो भवितां त्वं न संशयः येन्ये च तं श्रयिष्यन्ति मोक्ष्यन्ते तेऽपि संसृतेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अनन्यभावा ये तत्र मयि तस्मिन् तथा दृढं विश्वासमाप्तास्ते त्रैव देह द्रक्षन्ति मां सति स्वामिनारायणाय स्वाहा। अज्ञात भूरि महात्म्या अपि वर्त्मास्य ये भुवि अधीनोऽप्याश्रयिष्यन्ति पूरुषा योषिस्तस्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। तेषामपि च देहान्ते कृत्वा पातकसंक्षयं दत्त्वा स्वदर्शनं सर्वान् स्वकं नेष्यामि धामतान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्त्वमपि तं प्रीत्या समाश्रित्य सुखी भव इत्यमृतिं वचः पीत्वा हरेराप्तोति निवृत्तिं स्वामिनारायणाय स्वाहा। व्युत्थायाथास्य शिष्यत्वं प्राप्तोऽहं द्विजसत्तम सहजानन्द इति मे नाम कृत्वा स आह मां स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वरूपनिर्णयोगेयो जीव माया परात्मनां रामानुजाचार्यकृत ग्रन्थेभ्यस्तत्त्वतस्त्वया स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृष्णव्रतोत्सवानां तु सर्वेषामपि निर्णयः श्रीविठ्ठलगोस्वामी रचितो ग्राह्य उत्तमः स्वामिनारायणाय स्वाहा। रीतिः श्रीकृष्णसेवाया अपि ग्राह्या तदीरिता प्रेम्णा सेवदृशीनान्यैराचार्यैरुदिता यतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। लोकसच्छास्त्रगर्ह्यं यत् कर्म स्यान्महता कृतं तत्तु नैव ग्रहीतव्यं दोषत्वात् कर्हिचित्त्वया स्वामिनारायणाय स्वाहा। महतो वाल्पकात् पुंसो गुणः सारश्च शास्त्रतः दत्तात्रेयवदादेय इति मेऽनुग्रहं व्यधात् स्वामिनारायणाय स्वाहा। सोऽप्यासीत् सारवज्ञातिर्देशेषु कौसलेषु हि रामशर्माभिधो विप्रो बह्वृचः सद्गुणालयः स्वामिनारायणाय स्वाहा। पूर्वाभ्यासवशात् तस्य कृष्णे भक्तिस्तु शैशवात् आसीत् स्वाभाविकी विप्रा विरक्त्या तीव्रया सह स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृतोपनयनः पित्रा वेदाभ्यासमिषेण सह हित्वा गृहं वनं यात एकाकी निःस्पृहः शुचिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। हृदये कृष्णमेवेकं चिन्तयन् विञ्जितेन्द्रियः तीर्थयात्रां चरन् प्रागात् सौराष्ट्रान् लोकपावनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्रात्मानन्दनामानं महायोगिनमैक्षत ब्रह्मचर्यं पालयन्तं तीव्रवैराग्यशालिनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। गोपालानन्दसंज्ञस्य नैष्ठिकब्रह्मचारिणः
गोपनाथ शिवस्थान वसते शिष्यमुत्तमं स्वामीनारायणाय स्वाहा। तच्छिष्यतां स संप्राप्य निष्ठकं व्रतमास्थितः रामानंद इति ख्यातः सांगं योगं ततोऽध्यगात् स्वामीनारायणाय स्वाहा। ब्रह्म तेजो निराकारं समाधो वीक्षदेशिकं सप्राहाथ दिदृक्षामि कृष्णं सात्कृत्यहं बृहत् स्वामीनारायणाय स्वाहा। गुरुराहाय मेवास्ति सत्यः कृष्णो न चेतरः इत्युक्तः सोति खिन्नात्मा हित्वा तं निर्ययौ ततः स्वामीनारायणाय स्वाहा। साकार कृष्ण नित्यस्त्व स्थापकं तत्प्रदर्शकं जानन् श्रीवैष्णवाचार्यं श्रीरङ्गक्षेत्रमाययो स्वामीनारायणाय स्वाहा। तत्र रामानुजाचार्यं समाराध्य प्रसाद्य च जग्राह वैष्णवीं दीक्षां पञ्च संस्कार लक्षणां स्वामीनारायणाय स्वाहा। तदुक्तान् भगवद्धर्मान् पालयंस्तत्प्रसादतः हृदि धानेऽर्चनार्चायां कृष्णं प्रत्यक्षमेक्षत स्वामीनारायणाय स्वाहा। पूर्णकामो भवत्तेन ततो गुरुनिदेशतः कृष्णभक्तिं मुमुक्षुभ्य आदिशन् व्यचरद्भुवि स्वामीनारायणाय स्वाहा। ये तस्य भवन् शिष्यास्ते ते तस्य प्रसादतः भक्तिनिष्ठां प्रापुर्धर्मनिष्ठास्तथा भवन् स्वामीनारायणाय स्वाहा। समाधौ ददृशुः कृष्णं केचिच्च पुरुषः स्त्रियः मद्यमांसादि संसर्गं चहुः सर्वे तदाश्रिताः स्वामीनारायणाय स्वाहा। निर्दम्भभक्त्या ज्ञानेन यमेश्च नियमेर्धिया विरक्त्या च स्वधर्मेण विश्रुतो भुत्स सर्वतः स्वामीनारायणाय स्वाहा। तञ्चानर्चुर्बहुविधैर्वस्त्रभूषाधनैर्जनाः अयोजयद्धर्मकार्य तत्सर्वं सोपरिग्रहः स्वामीनारायणाय स्वाहा। वस्त्रभूषादि विप्रेभ्यो बहुशः सददो महान् महान्ति चान्न सत्राणि कारयामास वाडव स्वामीनारायणाय स्वाहा। जितेन्द्रियं च निष्कामं निर्लोभमपरिग्रहम् अरोषणं च निर्मानं तञ्जना बहुमे निरे स्वामीनारायणाय स्वाहा। तदान्ये वैष्णवजनाः स्त्रीद्रव्यरसलालसः दाम्भिकास्तं तदुत्कर्षं सोढुं शेकूर्न दूर्धियः स्वामीनारायणाय स्वाहा। तन्मानहानि मिच्छन्तस्तस्मिन् दोषं तु कञ्चन अप्राप्य निन्दां कुर्वन्तस्ते मिथ्यापावदन् खलाः स्वामीनारायणाय स्वाहा। विवदन्ते स्म बहुधा तेन ते ब्रह्म विद्यया प्रापुः पराजयं सर्वे न तु कोऽपि जयं द्विज स्वामीनारायणाय स्वाहा। तदातिक्रुद्धास्ते भूय उपदुद्रुवुरक्रुधं भर्त्सयामासुरपीतम् अपशब्दैररुन्तुदैः स्वामीनारायणाय स्वाहा। प्रामार्जयस्तं तिलकं केचिन्नित्वेतत्वं रजः अत्रोट्यन् कण्ठमालां चक्रतुश्च शिखां परे स्वामीनारायणाय स्वाहा। सिंहासनमपि ईशस्य बभञ्जुः केचिदुन्मदाः जहरुश्च कृष्णप्रतिमाः केचिद् वासांसितस्य च स्वामीनारायणाय स्वाहा। केचिद्दन्न सन्त्राणि साधु निष्कास्य तत्श्रितान् बभञ्जुरुद्धताकारा वैष्णवः शस्त्रपाणयः स्वामीनारायणाय स्वाहा। सहमानः सतत् सर्वं दुर्जनोपद्रवं मुहुः वृन्दावनमुपेत्याशु वीजने क्वचिदावसत् स्वामीनारायणाय स्वाहा। ध्यायंस्तत्रेकमनसा कृष्णं स न्यवसत् सुधिः तदिच्छया मतिं प्राप नूतनाध्वप्रवर्तिनीं स्वामीनारायणाय स्वाहा। बाह्यं श्रीवैष्णवाचार्य लिङ्गं सोपद्रवन्ततः हित्वा शास्त्रानुसारेण नवीनं तदकल्पयत् स्वामीनारायणाय स्वाहा। रामानुजकृतान् ग्रन्थास्त्वध्यात्मज्ञानसिद्धये तानेव रक्षन् भगवद्धर्मं प्रावर्तयत् पुनः स्वामीनारायणाय स्वाहा। धर्मेण सहितामेव भक्तिं स्वाध्वनिवर्तयन् तीर्थानि व्यचरद्भूमौ मुमुक्षुहितकारकः स्वामीनारायणाय स्वाहा। गुरुकृष्णप्रसादाच्च सोऽनु जग्राहभूतले यं स पुमात् सद्यः समाधो कृष्णमेक्षतः स्वामीनारायणाय स्वाहा। कृत्वा द्वारिका यात्रां रेवताचलमाययौ कृष्णक्रीडास्थले तत्र न्यवसद्धितकृन्नृणां स्वामीनारायणाय स्वाहा। स गुरुर्मम विप्रेन्दः साक्षात् उद्धव एव हि कृष्णादप्युणुरन्यूनः कृष्णभक्तिप्रवर्तकः स्वामीनारायणाय स्वाहा। तदाश्रिता नथा वोचं तत्र सर्वांश वैष्णवान् एष नः सद्गुरुः साक्षात् उद्धवोऽस्ति स्वयं किल स्वामीनारायणाय स्वाहा। अतो नः सम्प्रदायोऽयं सर्ववैष्णवसम्मतः औद्धवाख्योऽस्त्विति श्रुत्वा तथोच्चुस्तेऽखिला अपि स्वामीनारायणाय स्वाहा। स गुरुर्मयि विन्यस्य निजधर्मधुरं प्रभुः
तिरोदधे तत्प्रतापान् मया सैवुह्यते धुना स्वामिनारायणाय स्वाहा। नवीनं संप्रदायं नो ज्ञात्वा न्येमतवादिनः भृशमस्मत् साधुजनान् प्रति ग्रामं पीडयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथा यथा भवेत् तेषाम् आपत्काले तथा विधे सुखं तथा तथा तेथ वर्तित भुवि वै मया स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रतापात् सद्गुरोस्तस्य पातुर्धर्मस्य च प्रभोः साम्प्रतं स्वास्थ्यमापन्नः प्राग्वद्धर्ता महे वयं स्वामिनारायणाय स्वाहा। उक्तस्ते संप्रदायोऽथ श्रीकृष्णोऽस्तीष्टदेवता परमात्मा परं ब्रह्म सर्वकारणकारणं स्वामिनारायणाय स्वाहा। स हि राधिकया युक्तो राधा कृष्ण इतिर्यते युक्तः स लक्ष्मा रुक्मण्या लक्ष्मीनारायणस्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। सोऽर्जुनेन यूतो ब्रह्मन्नर नारायणाभिधः योगेन बलभद्रादेस्तत्तन्नामोच्यते च सः स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीवासुदेव प्रमुखाश्च तस्र तस्य मूर्तयः चतुर्विंशति संख्याकाः केशव प्रमुखास्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। पद्मनाभवराहाद्य भगवन्मूर्तयोऽपि च श्रीकृष्णस्यावतारत्वान् मान्यः सन्त्येव नोऽखिलाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। आदिवैष्णवराजाश्चेत् उपदेष्टा प्रचेतसां शङ्करः सह पार्वत्या मतः पूज्यतयास्ति नः स्वामिनारायणाय स्वाहा। पूज्यः कृष्णावतारत्वात् श्रीगणेशो मतस्तथा अस्माकं कुलदेवत्वात् पूज्यो भवति मारुतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। गायत्र्या अधिदेवत्वाद् अस्माकं च द्विजन्मनां पूज्योऽस्ति सविता देवो अथेष्ट शास्त्राणि मे ब्रुवे स्वामिनारायणाय स्वाहा। वेदः सहोपनिषदो द्वैपायन कृतान्यथ शारीरकाभिधान्येव सूत्राणि ब्राह्मणोत्तम स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीमद्भागवताम्भिख्यं पुराणं दशलक्षणं या चास्ति भगवद्गीता भारते भीष्मपर्वणि स्वामिनारायणाय स्वाहा। विष्णोर्नाम सहस्रञ्च भारते भीष्मकीर्तितं नीतिश्च विदुर प्रोक्ता तत्रैवोद्योगपर्वणि स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीवासुदेव माहात्म्यं स्कान्द वैष्णवखण्डगं याज्ञवल्क्य स्मृतिश्चेति शास्त्राणिष्टानि सन्ति मे स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र शारीरसूत्राणि गीता भागवतीति च द्वयं रामानुजाचार्य भाष्योपेतं मतं मया स्वामिनारायणाय स्वाहा। आचारव्यवहाराघ निष्कृन्ति ज्ञानहेतवे मतामिताक्षरयुक्ता याज्ञवल्कस्य तु स्मृतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। विशेषात् कृष्णमाहात्म्यज्ञानाय तु मतौ मया श्रीमद्भागवतस्यैव स्कन्धौ दशमपञ्चमौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। अन्यानि यानि शास्त्राणि वेदार्थानुसृतानि ह तानि सन्ति मे तस्माकं प्रमाण्यान्यास्तिकत्वः स्वामिनारायणाय स्वाहा। आद्याशक्तिर्भगवतो लक्ष्मीर्देव्यस्ति नो मते धार्ये च तुलसी काष्ठमाले कण्ठे द्विजातिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। चन्दनादीन धन भवे कृष्णाङ्घ्रिस्पर्श पाविते धार्ये सूक्ष्ममणिमाले कण्ठे शूद्रेश्च भूसुर स्वामिनारायणाय स्वाहा। सचन्द्रकं चोर्ध्वपुण्ड्रं गोपीचन्दनमृत्स्नया कृष्णपूजावशिष्टेन क्रियते चन्दनेन वा स्वामिनारायणाय स्वाहा। राधालक्ष्मीप्रसादेन कुम्कुमेनापि चन्द्रकः तन्मध्ये क्रियते ब्रह्मन् सम्प्रदाय इहोद्धवे स्वामिनारायणाय स्वाहा। सन्ति ये साधवोऽस्माकं त्यक्तग्राम्यसुखा इह परतस्याशभस्यैव भक्तिस्तेषां ममापि च स्वामिनारायणाय स्वाहा। निर्मानत्वम् असङ्गत्वम् अहिंसाहं मम त्यजी आत्मनिष्ठा च तस्यैव सन्ति भक्तिर्लङ्क्रियः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सालङ्क्रिये दृशी कृष्ण भक्तिर्यस्य भवेन्न सः त्यागी बहिष्कृत इति ज्ञेय उद्धववर्त्मनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। गृहस्थाश्रमिणो येत्र सन्त्यक्स्माकं तु वाडवः अम्बरीश नृपस्येव तेषां भक्तिः स्वधर्मयुक् स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्थं देध्वा भक्तिरीतिः सम्प्रदायस्ति नः किल उक्त
युक्ताधिकारी भेदेन योग्यत्वाद्विज सत्तम स्वामी नारायणाय स्वाहा। अस्मदीयः साधुवस्तु भरतस्यैव योगिनः मार्गं परमहंसस्य श्रीता भागवतस्य यत् स्वामी नारायणाय स्वाहा। अतः परमहंसाख्य उच्यन्ते स्मदुपाश्रितैः प्रश्नानामिति सर्वेषाम् उत्तरं कथितं तव स्वामी नारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामी नारायणाय स्वाहा। इति स्वामी वचः श्रुत्वा मुमुक्षुः सत्वाडवः तमेव सद्गुरुं ज्ञात्वा समाश्रय दशंशयः स्वामी नारायणाय स्वाहा। प्रसादात्तस्य चापश्यत् सद्यस्तं स समाधिना श्रीकृष्णं राधया साकं कृतार्थस्तेन चाभवत् स्वामी नारायणाय स्वाहा। ततः स्वयजमानाय हरिसिंहाय भूभुजे तत्सर्वमवद्विप्रो यथा दृष्टुं यथा श्रुतं स्वामी नारायणाय स्वाहा। ततः सोऽपि सुधीरुष्टस्तमेव शरणं हरिं प्राप्यानन्दं वरं लेभे तदीयाश्च नराधुप स्वामी नारायणाय स्वाहा। श्रुत्वर्षयस्ते निज सम्प्रदाय प्रकाशमीशेन कृतं प्रहष्टः दोलोत्सवं तत्र विधाय भूमो सुखं विचेरुर्गतवेरिभिकः स्वामी नारायणाय स्वाहा। इति श्रीमत्सत्सङ्गी जीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे द्वितीय प्रकरणे उद्धव संप्रदाय प्रकाशनाम सप्तत्रिंशो अध्यायः स्वामी नारायणाय स्वाहा। अथ द्वितीय प्रकरणे अष्टत्रिंशोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामी नारायणाय स्वाहा। पूरे वसंस्तत्र मुनीश्वरोऽथ महोत्सवांसोभयसद्वनि प्रभुः चकार कृष्णस्य जनौर्दिनेषु सर्वासु चैकादशिकासुराजन् स्वामी नारायणाय स्वाहा। शुश्राव नित्यं च महापुराणं सप्रीतिमान् भागवताभिधानम् अचीकरद्दानममोऽस्य चासो पाठांश्च विप्रेर्विधिवच्छतानि स्वामी नारायणाय स्वाहा। श्रीभारतोक्तस्य सहस्रनामस् स्तोत्रस्य विष्णोः श्रवणं च पाठान् स्वयं च काराथ च वाडवेन्द्रैः सकारयामास यथा विधानं स्वामी नारायणाय स्वाहा। तं प्रार्थयन्ति स्म पुरान्तरेभ्यो भक्ता समेत्य स्वपुरागमाय यदा तदा सोऽप्यभयं नृपं तम् आपृच्छ तत्तत् पुरमप्ययाच्च स्वामी नारायणाय स्वाहा। साकं स्वकीर्बन्धुभिरन्वयातं क्वचित् क्वचित् भूमिपतिर्निजेष्टं क्वचित् क्वचित् तस्य निषेधतोऽसौ पुरे स्वके स्थाद् हृदि चिन्तयस्तं स्वामी नारायणाय स्वाहा। हरीश्च तत्तन्नगरे स्वभक्तान् आनन्दयित्वा प्रथितप्रतापैः महोत्सवै श्रीरमणास्य भूयः पूरं तदेति स्म ततः क्षितीश स्वामी नारायणाय स्वाहा। प्रयुत्सवं जनास्तत्र समायान्ति स्म यूथशः स्त्रियो वृद्धाश्च शीशवो गृहिणो मुनयस्तथा स्वामी नारायणाय स्वाहा। त्यागिनां तत्र भक्तानां यूथानि तु सहस्रशः आझग्मुर्झग्मुरुषुश्च नैरन्तर्येण चान्वहं स्वामी नारायणाय स्वाहा। त्यागिनां हरिभक्तानां यूथानि गणका अपि संख्यातुं शेकिरे नैव तत्रायान्त्यपयान्ति च स्वामी नारायणाय स्वाहा। यावन्तो नृपमन्दिरे हरिजनास् तावन्त आसन् पुरे गङ्गायां च परावरे तटयुगे तावन्त एवाभवन् तावन्तः किल वाटिकासु पथिषु छायासु चक्ष्मारुहां तत्रैवं मनुजा कृतौ विलसति श्रीवासुदेवे प्रभो स्वामी नारायणाय स्वाहा। तत्रत्यानां तु भक्तानां नित्यमेव महोत्सवः बभूवुः सेवमानानां मनुवेलं तमीश्वरं स्वामी नारायणाय स्वाहा। राजोवाच स्वामी नारायणाय स्वाहा।
धन्यो राजा भयो ब्रह्मन् येन भक्त्या वशीकृतः उवास तद्गृहे साक्षात् भगवान् निःस्पृहोऽपि सः स्वामिनारायणाय स्वाहा। त्वया यदुक्तं भगवान् पुरान्तरजनेर्मुनिः प्रार्थितो ह्यभयं पृष्ट्वा तत्तत्पुरं मगादिति स्वामिनारायणाय स्वाहा। पुरान्तरे कुत्र कुत्र ततो गत्वा स सत्पतिः कृत्वा महोत्सवान् भूयस्तत्र याद्वद तच्च मां स्वामिनारायणाय स्वाहा। तव नाविदितिं क्वचित् चरितं तस्य सन्मते तत्प्रसादात् सर्वविदस्तथा तत्पार्श्ववर्तनिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं प्रतापसिंहेन पृष्टो भागवतो मुनिः स्मरन्नारायणं चित्ते तमुवाच नराधिपं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। शृणु राजन् भगवतश्चरित्राणि वदामि ते धर्मरक्षावतारस्य कुर्वन्तो भक्ततोषणं स्वामिनारायणाय स्वाहा। वसन्तं तं दुर्गपुरे भक्तसङ्गाः सहस्रशः ग्रामान् पुराणि च स्वेषां नेतुं सम्प्रार्थयन् भृशं स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृपानिधिः स भगवान् भक्तवत्सल ईश्वरः तं तं ग्रामं पुरं प्रायात् तत्प्रियचिकीर्षया स्वामिनारायणाय स्वाहा। जन्माष्टम्यादितिथिषु तत्र तत्र महोत्सवान् चक्रे सच्छास्त्रवार्ताश्च धर्मं भक्तिं च पोषयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा। बहवः सन्ति हि ग्रामाः पुराणि च नराधिप कृतोत्सवानि हरिणा वृत्तेन मुनिमण्डले हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। तानि सर्वाणि तु मया वक्तुं शक्यानि न ध्रुवं वदामि कतिचित् तत्र तल्लीलाश समासतः स्वामिना। सौवीरदेश नृपतिः सूरसिंहस्तमार्थयत् सहैव मुनिभिर्नेतुं स्वीयं मत्स्याह्यं पुरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। संवत्सरे प्रमाथ्याख्ये कृत्वा वासन्तिकोत्सवं हरिस्तन्नगरं प्रायात् अश्वारूढः सपार्षदः स्वामिनारायणाय स्वाहा। संस्थापयन् वेदिकधर्मसेतुं निजप्रतापं प्रथयेन् जनेषु हरन्न धर्मं परिलीयमानं मासं न्यवासीत् सचत्रपुर्यां स्वामिनारायणाय स्वाहा। भक्तस्य राज्ञः सुरसिंहनाम्नो गृहे वसंस्तत्र मुनिः पुराणः देशान्तरेभ्यो बहुशः स्वभक्तान् समाह्वयामास सत्पत्र दूतैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। राजा तमार्चद्वसनेरनघ्यैर्विभूषणैर्हेममयेकनेकैः सच्चन्दनेनोत्तमपुष्पहारैः सहस्रशोराजितमोद्रिकाभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। राज्ञस्त्रिया देविकयादिभक्त्या तेजोवती संगिकया च पुत्र्या सहेमसूत्रैर्विविधैः पुपूजे वस्त्रैः सुभोज्यैश्च धनैः प्रभुः सह स्वामिनारायणाय स्वाहा। तं केशिनिश्यालकशोषिदस्य महोपचारिः सुपुपूज भक्त्या अन्याश्च नार्यशतसः सहस्रशः प्रीत्या तमार्चन् पुरुषाश्च राजन् स्वामिनारायणाय स्वाहा। देशान्तरेभ्यश्च समागताये नराश्च नार्यश्च हरेः सपर्यां संवीक्ष्य हर्षं बहुविस्मयं च प्रापुः स्तुवन्तो भगवत् प्रतापं स्वामिनारायणाय स्वाहा। भक्ष्यभोज्यैर्बहुविदेहि साधून् विप्रांश्च वर्णिनः हरेरनुचरान् सर्वान् रूपोतर्पयद्वहं स्वामिनारायणाय स्वाहा। मुनिमण्डलमध्यस्थं सिंहासनमधिष्ठितः लक्षशः पुरुषैर्भक्तैः स्त्रीभिश्च परिवेष्टितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। गायकैः सन्तुस्तो भक्त्या पूज्यमानश्च सज्जनैः वादित्र घोषं तु मूलं शृण्वस्तत्र हरिर्बभौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। दोलोत्सव दिने खेलन् भक्तैर्मुनिगणैः सह क्षिपन् गुलाल प्रसृतिर्हर्षयामास सोऽखिलन् स्वामिनारायणाय स्वाहा। पीते रक्तेश्च रङ्गैर्धृतिभिरभिधृतिः स्नापयन्नेव भक्तान् रङ्गक्लीनाङ्गवासः श्रमजनितपरिस्वेदमुक्तालिभालः
गृहणान्नाशु स्वपार्श्व स्थितमुनिकरतः पुष्टमुष्ट्या गुलालं लिम्पस्तद्वक्त्रमेवं स्मितरुचिरमुखो हासयामास सस्वान्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। लीलामेव विधां कुर्वन् नरनाट्यानुसारिणीं जहारजनचेतांसि स्वस्वरूपे अखिलेश्वरः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। राजर्षेष्ठगृहे तस्य नारायणमुनिर्हरेः मूर्तिदामोदराख्यायः स्थापनं चाप्यचीकरत्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। एकदा तत्र सदसि पूजितश्च नृपेण सह वीज्यमानश्च मरेण बोधयंस्तं जगादः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीनारायणमुनिरुवाच। स्वामिनारायणाय स्वाहा। ब्राह्मणानां ब्रह्मविदां सेवाकार्यामदाश्रितैः सर्वे मनोरथाः पूर्णास्तत्प्रसादाद् भवन्ति हि। स्वामिनारायणाय स्वाहा। गृहस्थानां विशेषेण ब्राह्मणा दैवतं परं माननीया नृपेस्ते च राज्यवृद्धिमभीप्सुभिः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। सन्तुष्टः सेवया विप्रः किं किं न नृपवाच्छितं साधु येयुः स्वतपसा देवान् कुर्युयुः सेवकान्। स्वामिनारायणाय स्वाहा। ब्राह्मणानां प्रसादेन पार्थिवा बहवः पुरा कृत्वा महान्ति पुण्यानि प्राप्ता सिद्धिं सुदुर्लभां। स्वामिनारायणाय स्वाहा। ब्रह्मण्यानां धार्मिकाणां तेषां मध्यापि गीयते यशः सर्वत्र सुमहरान्नारदादिभिरुज्ज्वलं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच। स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति प्रोक्तं भगवता विप्रमाहात्म्यमुत्तमं निशम्य सूरसिंहस्तं पप्रच्छ विनयानतः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। सूरसिंह उवाच। स्वामिनारायणाय स्वाहा। के नृपः पुरा स्वामिन् केनोपायेन भूसुरान् इह संतोषयामासुस्तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि। स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच। स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्थं विशुद्धमतिना विनयेन प्रोष्टः सोवीरनिवृदधिपेन हरिः प्रसन्नः प्रोवाच सादरमुदारनराधिपानां चित्रं चरित्रमवनीश समासतस्तं। स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीमत्सत्सङ्गी जीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे द्वितीयप्रकरणे मत्स्याह्वयपुरे सुरसिंहनृपादिकृत नारायणार्चनादि निरूपणनामाष्टत्रिंशोऽध्यायः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नरनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्तिधर्मात्मजाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अजन्मने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री हरिकृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री धार्मिकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्तिनन्दनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री बृहद्वतधराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री शुद्धाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री राधा कृष्णेष्ट देवताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री मरुत्सुत प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कालभैरवाद्यतिभीषणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री जितेन्द्रियाय नमः।
ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री सीताहाराय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री तीव्र वैराग्याय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री आस्तिकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री योगेश्वराय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री योग कला प्रवृत्ते नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री अतिधैर्यवते नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री ज्ञानिने नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री परमहंसाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री तीर्थकृते नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री तीर्थिकार्चिताय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री क्षमानिदे नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री सदोदिद्राय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री ध्याननिष्ठाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री तपःप्रियाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री सिद्धेश्वराय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम स्वतंत्राय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री पाषंडोच्छेदन पटवे नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम स्वस्वरूपाचल स्थिते नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रशांत मूर्तये नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री निर्दोषाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री असुर गुरुवादि मोहनाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री अतिकारुण्य नयनाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री ऊर्ध्वार्ध प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री महामृताय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री साधुशीलाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री साधु विप्र प्रपूजकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री साकार ब्रह्मवर्णनाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिने नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री काल दोष निवारकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम सत्शास्त्र व्यसनाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम सद्य समाधि सिद्धि कारकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री कौल द्वीशे नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री कलिदारकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रकाश रूपाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री निर्दम्भाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री सर्वजीव हितावहाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्ति संपोषकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री वाग्मिने नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम चतुर्वागप्रदाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री निर्मत्सराय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तवर्मणे नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री बुद्धिदात्रे नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री अतिपावनाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री अबुद्धिर्ते नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री अपराजिताय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री आसमुद्रांत सत्कीर्तये नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री संस्कृति मोचनाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री उदाराय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री सहजानंदाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री साध्विधोन प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री कंदर्प दर्प दलनाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री वैष्णव क्रतुकारकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री पंचायतन सनमानाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रगल्भाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम निस्पृहाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम सत्य प्रतिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्त वत्सलाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री अरोषणाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री दीर्घदर्शिने नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री षडूर्मि विजय क्षमाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री निरहंकृतये नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री अद्रोहाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री ऋजुवे नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री सर्वोपकारकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री नियामकाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री उपशमस्थितये नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री विनयवते नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री गुरुवे नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री अजातवैरिणे नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री निर्लोभाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री महापुरुषाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री आत्मदाय नमः ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा ओम श्री
अखंडितार्ष मर्यादाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री यमदूत विमोचकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री पूर्णकामाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री सत्यवादिने नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री गुणग्राहिणे नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री गतस्मयाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम सदाचार प्रियतराय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री सर्व मंगल सद्रूपनाना गुण विचेष्टिताय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। इति श्री जनमंगल नामावली समाप्ता। स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री राधा रमण देव की जय। लक्ष्मी नारायण देव की जय। नर नारायण देव की जय। गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। श्री कष्टभंजन देव की जय। तद गुरु स्वामी सहजानंद दयालु। सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी। प्रभु जय सदगुरु स्वामी। चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी। प्रभु वंदु कर जोड़ी। चरणी शीश धराती। चरणी शीश धराती। दुख नाख्या तोड़ी। प्रभु जय सदगुरु स्वामी। नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी। प्रभु द्विज कुल तनुधारी। पामर पतित उधार्या। पामर पतित उधार्या। अगणित नर नारी। प्रभु जय सदगुरु स्वामी। नित्य नित्य नौतम लीला करता विनाशी। प्रभु करता विनाशी। अड़सठ तीरथ चरणे। अड़सठ तीरथ चरणे। कोटि गया काशी। प्रभु जय सदगुरु स्वामी। पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे। प्रभु जे दर्शन करशे। काल कर्म थी छूटी। काल कर्म थी छूटी। कुटुंब सहित तरशे। प्रभु जय सदगुरु स्वामी। आयवसर करुणा निधि करुणा बहु की दी। वाले करुणा बहु की दी। मुक्तानंद कहे मुक्ति। मुक्तानंद कहे मुक्ति। सुगम करी सीधी। प्रभु जय सदगुरु स्वामी। जय सदगुरु स्वामी। प्रभु जय सदगुरु स्वामी। सहजानंद दयालु। सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी। प्रभु जय सदगुरु स्वामी। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।